देखिएगा, शुरू करते हैं जीके की फटाफट रिवीजन क्लास। हर रोज आपको मेरे चैनल पे एक जीके की क्लास मिलती रहती है, तो रिवीजन क्लास करेंगे, मोर देन 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 10 मिनट से पहले पहले कर लेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कागज का आविष्कार। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, भारत में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में या रूस में। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला दोस्तों चीन। ठीक है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था, चीन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों को जुड़ावा शहर कहा जाता है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद या सिकंदराबाद। तो देखिएगा जुड़वा शहर कहा जाता है, जिस तरीके से जुड़वा बच्चे होते हैं ऐसे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है भारत में, जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली। तो जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म स्थल दोस्तों लुम्बिनी है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्या है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला महाविद्यालय हम किसको कहते हैं। तो विश्व का सबसे पहला महाविद्यालय हम बोलते हैं तक्षशिला को। किसको बोलते हैं, तक्षशिला विद्यालय को विश्व का सबसे बड़ा, सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, आगरा में, कर्नाटक, सूरत या मैसूर। तो दोस्तों वो गुजरात के सहारे आए थे और गुजरात के सूरत शहर में सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, व्यापार किया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया। तो भारत में सबसे पहला डाक टिकट, आपको सही आंसर चूज करना है इन चारों में से। तो सही आंसर होने वाला है 1852 में सबसे पहला डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सामवेद, ऋग्वेद, ऋजुवेद, अर्थवेद। तो सबसे पुराना दोस्तों ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद कहा जाता है, यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो सबसे, देखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में दोस्तों सबको पता होगा 7 रंग होते हैं, प्रकाश के, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में डिवाइड हो जाने को भी हम बड़े विक्षेपण कहते हैं, और उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है, सबसे अधिक पुलिस। तो अमेरिका, भारत, चीन, जापान। सबसे ज्यादा पुलिस दोस्तों अमेरिका में मिलेगी आपको देखने को, अमेरिका यानी कि यूएसए में। कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है, यानी कि उसको आप छूओगे तो वो मर जाएगा, मोर, वायस, तोता या टिटोनी। तो टिटोनी पक्षी एक ऐसा पक्षी है माय फ्रेंड्स, जिसको अगर आप हाथ भी लगा दोगे तो वो फौरन ही दम तोड़ देगा, मर जाएगा। हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हेलमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शिर, शस्त्रा, शीश कवर, शीश मुकुट, शीश आवरण। तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम ये वाला फर्स्ट, शीर स्त्राण। क्या बोलते हैं, शीर स्त्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा शहर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है माय फ्रेंड, देखिएगा इसका आंसर भी दे रखा है, मुंबई। क्या है दोस्तों, मुंबई है भारत का सबसे बड़ा शहर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर, जापान की राजधानी का क्या नाम है। तो जापान की जो राजधानी है उसका नाम टोक्यो है। क्या नाम है उसका, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं, सारे, ऑल ओवर वर्ल्ड। 195 कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, टोटल देशों की संख्या अगर कही जाए तो 195 देश हैं टोटल। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों कच्छ, सबसे बड़ा जिला कहा जाता है जिसको कच्छ। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है, तो फ्लिपकार्ट जो है दोस्तों अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है फ्लिपकार्ट, अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो मसालों की रानी किसको, लौंग को, धनिया, हल्दी, इलायची। तो यहाँ पर देखिएगा इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, देखिएगा शतरंज का जन्म किस देश से हुआ है। तो शतरंज का जन्म दोस्तों भारत से हुआ है। किससे हुआ शतरंज का जन्म, भारत से हुआ है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, इसी तरीके की रिविजन क्लास के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं।